मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, आपका न्यू टॉपिक इस टाइम चल रहा है जिसका नाम है एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत। जंतु जगत का ये आज पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और 2 में हम आपको इसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का जो आधार है, किसके आधार पर फाइलम को यानी कि एनिमल किंगडम को बांटा गया है, वो सभी पॉइंट हमने आपको इसमें बताए हुए इन दो पार्ट में। तो आप सबसे पहले एक काम करोगे, आज दो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो उनको पहले देखिएगा, तभी आपको आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको हमने बताया हुआ है सिमेट्री कैसी होती है, किसकी कैसी होती है, और जेनेटिक स्तर कैसा होता है, खंडी वन किसमें पाया जाता है, सेगमेंटेशन, ये सभी पॉइंट हमने वहां पर आपको बताए हुए। तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिएगा तो आपको आगे की जो चीजें हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आएंगी। बिल्कुल चीजें समझते हुए आप चलोगे, एक भी चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा यदि आप दो वीडियो ये पहले की देख लेते हो, ठीक है। तो आज यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहला जो हमारा फाइलम है, हमने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा गया है, 11 संघों में इनको बांटा गया, 11 के नाम हमने आपको बताया पिछली वीडियो में, और साथ ही साथ उनके कुछ प्रमुख जीव जो प्रमुख हुए उनके नाम भी हमने आपको पार्ट नंबर 1 में बताए हुए। सीलोम कैसी होती है, किसकी कैसी होती है, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। तो ये चीजें आप जब समझ जाओगे तो आगे की चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप बेसिस और क्लासिफिकेशन की वीडियो नहीं देखते हो तो आगे की जो चीजें हैं वो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और वैसे भी ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सीपी नेट में 2018 में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 7-8 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए थे। तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से आना चाहिए, संघ पॉलीफेरा से लेकर और कॉर्ड डेटा तक आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम में वो क्या है, संघ पॉलीफेरा यानी कि फाइलम पॉलीफेरा के बारे में आज हम बात करेंगे। ये सबसे प्रिमिटिव फाइलम है, सबसे पहली बात है कि ये सबसे प्रिमिटिव है, कैसा है, प्रिमिटिव फाइलम है, सबसे प्राथमिक, यानी कि पहला जो हमारा फाइलम है वो कौन सा है, पॉलीफेरा। सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो जीव आए होते हैं वो पॉलीफेरा के थे, फाइलम पॉलीफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो सबसे पहले जीव माने जाते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, इनकी संरचना क्या है, इनमें जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से जीव आते हैं, इनमें सिमेट्री कैसी, खंडीवन क्या क्या होता है, यानी पूरा डिटेल से हम आपको बता देंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो लगातार हमारे साथ वीडियो को देखते रहना, आज की वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए बात करते हैं संघ पॉलीफेरा। आपको स्क्रीन पर बोर्ड पर एक फिगर दिखेगा जो पॉलीफेरा के सदस्यों का यानी स्पंज का होगा, पॉलीफेरा के अंतर्गत जो आने वाले जीव होते हैं उनका फिगर होगा। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीफेरा का मतलब क्या होता है, पॉलीफेरा का मतलब क्या होता है ये बात करते हैं। तो देखो पॉलीफेरा एक ग्रीक भाषा शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। सबसे पहले हमारा आता है पोर, पोर प्लस फेरी, यानी कि इनमें मेन बात है कि ये पॉलीफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे होंगे, छिद्र धारण होते हैं, तो इनका मतलब होता है पॉरी प्लस फेरी, पॉरी प्लस फेरी। पोर का मतलब होता है छिद्र, पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र, और फेरी का मतलब होता है बियर, टू बियर यानी कि धारण करने वाला, छिद्र बियर का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला, धारण करने वाला, करने वाला यानी कि छिद्र को धारण करने वाले। ऐसे जीव जिनमें छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको संघ पॉलीफेरा के अंतर्गत रखा गया, और ये सबसे प्रिमिटिव जीव कहे जाते हैं, सबसे प्रिमिटिव जीव माने जाते हैं, सबसे पहले जो पृथ्वी पर जीव आए वो संघ पॉलीफेरा के अंतर्गत। और ये जितने भी जीव है इसके, जो भी जीव पॉलीफेरा के अंतर्गत आते हैं वो सभी जीव पानी में पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, अधिकांश जीव जो है वो आपके पानी में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि संघ पॉलीफेरा में आने वाले जीव कैसे होते, जलीय जीव होते, एक्वाटिक होते, कैसे जीव होते, जलीय जीव यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले जीव,
और ये इनको जलीय जीव कहा जाता है। ये एक भी जितने भी जीव इसके अंतर्गत आते हैं वो सभी कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, इनकी एक्वाटिक होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सभी पॉलीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीव कहाँ रहते हैं, इनका आवास क्या है, तो इनजे हमारे कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। अधिकांश जीव सभी जीव जो भी है अधिकांश क्या सभी जितने भी जीव इसके अंतर्गत आएंगे वो सभी जीव आपके पानी में यानी कि जल में पाए जाते हैं, तो इनका आवास क्या हुआ, पानी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे संग पॉलीफेरा जो होता है वो, एक बात आपको समझ में आई, पॉलीफेरा के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वो सभी कैसे होंगे, छिद्र उनमें पाए जाएंगे। सबसे पहली बात इनका जो विशेष लक्षण है वो आपको यही है कि इनमें छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से छिद्रदार करने वाले सदस्य कौन से हैं, कौन से संघ में आते हैं, तो वो संघ पॉलीफेरा के अंतर्गत आते हैं। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जितने भी जीव होते हैं वो सभी जलीय जीव होते हैं, जल में रहने वाले जीव होते हैं, इनकी एक्वाटिक होते हैं। दूसरी बात, इनको सामान्यता स्पंज कहा जाता है, इनको सामान्यता स्पंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सामान्यता इनको क्या कहा जाता है, तो इनको स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको क्लियर हुए अच्छी तरीके से। फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे अच्छे से देखें और उसमें आपको दिखाई दे रहा है कुछ जीव यानी कि कॉलोनी बना के समूह बनाकर रह रहे, कुछ जीव ऐसे अकेले भी रह रहे हैं, तो और बहुत ही अच्छे लगते देखने में। ये जो जीव ये जो सदस्य होते हैं पॉलीफेरा के अंदर जो जीव आते हैं वो बहुत देखने में अच्छे लगते। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे इनको क्या क्या कहा जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और भी। ठीक है, आगे चल के अब बात करते हैं कि इनका कोशिकीय स्तर कैसा होता है, इनका जो शरीर है वो किस प्रकार से होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जो संघ पॉलीफेरा के जो सदस्य हैं उनका शरीर कैसा होता है। तो देखो इनका कोशिकीय वो शरीर संगठन देखते हैं, पहला इनका देखते हैं शरीर संगठन इनका कैसा होता है, किसके बने होते हैं। तो सबसे पहले जो जीव हमारे पॉलीफेरा जो पहला फाइलम है इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो कोशिकीय स्तर होता है, यानी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीवों का शरीर संगठन कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, कोशिकीय स्तर होता है, यानी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर इनकी सममिति कैसी होती है, ये पॉइंट हम आपको बता भी चुके, आगे भी आप लोग अच्छे से समझते हुए चले। सिमेट्री इनकी कैसी होती है, सिमेट्री इनकी सममिति कैसी होती है, तो देखो इनकी जो सममिति होती है वो कैसी होती है, असममिति होती है, यानी कि इनमें हम दो भागों बराबर भागों में नहीं बढ़ सकते। पॉलीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनको दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है, तो ऐसी समिति को असममिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असममिति, यानी कि एसिमेट्री। इनमें जो समिति होती है वो कैसी होती है, एसिमेट्री होती है। पूछा जा सकता है आपसे कि एसिमेट्री किसमें पाई जाती है, तो एसिमेट्री जो होती है वो संघ पॉलीफेरा के सदस्यों में पाई जाती है, इनके शरीर को दो समरूप भागों में नहीं विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, शरीर संगठन कैसा होता है, कोशिकीय स्तर होता है, सममिति कैसी होती है, तो असममिति होती है, इनकी एसिमेट्री होती है इनके अंदर। अब बात करते हैं कि इनमें सीलोम कैसी होती है, तीसरे नंबर पे बात करते हैं इनमें सीलोम कैसी होती है। तो देखो बहुत ही प्रिमिटिव जीव है तो सीलोम का होना मुश्किल है, क्योंकि सीलोम जो आपकी है वो ऐसे एलिमेंट्री में तो कूटी थी, यानी कि असत्य सीलोम थी, तो उससे पहले के जो भी जीव है जो भी संघ हमारे जैसे कि आपका पॉलीफेरा हुआ, सिलिंट्रेटा हुआ, टीनोपोरा हुआ, प्लेटी एलिमेंट्री हुआ, इन सभी में जो सीलोम होती है वो कैसी होती है, उनमें सीलोम नहीं पाई जाती, यानी कि अब ही होते हैं, इनमें कूट गुहा नहीं पाई जाती, यानी गुहा इनमें नहीं पाई जाती है। तो इनकी सीलोम जो होती है वो कैसी होती है, अब ही होते हैं, ये एसीलोमेट कहे जाते हैं, अब ही, इनमें गुहा नहीं पाई जाती है, इनकी बॉडी कैविटी इनमें नहीं पाई जाती है, तो कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अब वही होते हैं, इनकी एसीलोमेट होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की गुहा नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं इनमें खंडीभवन होता है या नहीं होता है, सिगमेंटेशन
क्वेश्चन होता है इन्हें खंड किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, तो याद कर लें अच्छी तरीके से। पहला इनकी पहला है प्रिमिटिव है भौतिक, तो खंड का होना तो मुश्किल ही है क्योंकि खंड हमारे जो स्टार्ट हुए थे वो एनिलिडा से स्टार्ट हुए थे, तो ये तो पहला है, तो खंडी भवन भी नहीं इसमें होंगे, अनुपस्थित होंगे। कैसे होंगे? अनुपस्थित होंगे। बहुत ही स्वर्ण, देखो नोट्स मेरे साथ बनाते चलना, नोट्स यदि आप लोग बनाते हुए चल रहे हो तो आपको बहुत ही फायदा होगा, इनको बाद में रिवाइज कर सकते हो, दो तीन बार यदि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं इन चीजों को तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले, अच्छी तरीके से चीजों को समझते हुए चले, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा आपसे कि संघ पॉलीफेरा की सीलोम कैसी होती है, इनकी बॉडी कैविटी कैसे होती है, तो अब वही होते हैं, इनमें किसी प्रकार की बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, तो ये चीजें आपको पूछी जा सकती है। शरीर संगठन कैसा होता है, खंडी भवन होता है या नहीं होता है, तो अनुपस्थित होता है क्योंकि खंडी भवन की जो सेगमेंटेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो एनिलिडा से स्टार्ट हुआ था, एनिलिडा पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा पाया जाता है और आपके कॉर्डेटा में पाया जाता है, शेष किसी में खंडी भवन नहीं होता है। ठीक है, ये हम आपको पिछली वीडियो में बता भी चुके। और एक बात आपसे और बोलना चाहती हूँ, इनके जो एमसीक्यू है, इनसे बनने वाले जो भी एमसीक्यू है वो आपको सुबह वाली क्लास में देखने को मिलेंगे, तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा, क्योंकि आपको पता तभी चलेगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। आप जब वहां क्वेश्चन लगाओगे, तो यदि आप वहां क्वेश्चन लगा लेते हो आपके दिमाग में आंसर पहले ही आ जाता है, तो आप समझ लेना कि हाँ मेरा ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें पाचन तंत्र और आपका परिसंचरण तंत्र और आपका श्वसन तंत्र ये पाया जाता है नहीं पाया जाता है, तो ना ही पाचन तंत्र होता है, ना ही परिसंचरण तंत्र होता है, ना ही इनमें श्वसन तंत्र होता है, क्योंकि शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब शरीर ही कोशिकाओं जब बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी तब ऊतक बनेगा, ऊतक से फिर अंग बनते, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है, तो शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है तो इनका होना तो असंभव ही है, तो यहाँ पे हम लिख लेते अनुपस्थित। कैसे हो जाते? अनुपस्थित। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का कोई पाचन तंत्र नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ना ही श्वसन तंत्र होता है। अब बात करते हैं आगे, तो देखो आगे हम आपको क्या बताएंगे, पाचन तंत्र नहीं होता, खंडी भवन अनुपस्थित, सीरम नहीं पाई जाती, समिति नहीं होती है। अब इसके बाद बात करते हैं इनमें पाचन किस प्रकार का होता है, तो ये पॉइंट आप लोग अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे की बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं, देखो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी, सिमेट्री कैसी होती है, सीलोम कैसी होती है, खंडी भवन होता है या नहीं होता है, पाचन तंत्र होता है या नहीं होता है, तो इनमें पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और साथ ही साथ आपका श्वसन तंत्र जो होता है वो अनुपस्थित होता है, सिमेट्री जो होती है वो एसिमेट्री होती है, लेकिन असमिति होती है। ठीक, शरीर संगठन कैसा होता है, तो कोशिकीय स्तर होता है, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इनका एक विशेष लक्षण है, इनका एक विशेष लक्षण है बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपसे पूछा भी जा सकता है कि संघ पॉलीफेरा का एक मेन करेक्टर क्या है, मेन फीचर क्या है इनका, है एक स्पेशल फीचर इनमें इनके अंदर पाया जाता है। एक तो हम आपको बता चुके हैं कि इनमें छिद्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इनमें छिद्र यानी कि पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, साथ ही साथ इनके क्या होता है, नाल तंत्र होता है, यानी कि केनाल सिस्टम पाया जाता है, केनाल सिस्टम पाया जाता है। केनाल सिस्टम के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, पहले बात करते हैं छिद्र कैसे होते हैं, इन छिद्रों का काम क्या होता है। ठीक है, तो इनका एक विशेष लक्षण है कि इनमें छिद्र तथा केनाल सिस्टम पाया जाता है, केनाल सिस्टम मतलब कि नाल तंत्र का काम क्या होता है, कितने प्रकार की होती है इनके अंदर, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे, इनमें जनन किस प्रकार से होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे चल के, तो लगातार देखते रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो लगातार यदि आप लोग पढ़ते रहोगे, अच्छे से चीजों को समझते रहोगे, तो एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग करके आ सकते हो, ये ना देखा करो कि इतना इम्पोर्टेंट है इसके बाद फिर नहीं आएगा, या यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से नहीं आ सकते, जब आपको पूरी तरीके से सभी चीजें आती होगी तो आपका क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए आप उसे पक्का सॉल्व करके आओगे, तो डिटेल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और साथ ही साथ नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलिए। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि इनमें विशेष लक्षण क्या है, तो छिद्र पाए जाते हैं, इनकी पोर पाए जाते हैं, केनाल सिस्टम पाया जाता है, ये इनका एक विशेष लक्षण है,
कैसा लक्षण है? विशेष लक्षण है कि इनमें छिद्र और केनाल सिस्टम पाया जाता है। केनाल सिस्टम के बारे में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं छिद्र किस प्रकार के होते हैं। तो आपको यहाँ एक फिगर दिखेगा यहाँ पर बोर्ड पर, उस फिगर को आप देख लेना और बाद में हम यहाँ पर बना भी रहे हैं छोटा सा, ठीक है? तो उसे भी समझते हुए चलना है आपको। तो देखो इस प्रकार से पॉलीफेरा कुछ होता है, इस प्रकार से कुछ इसकी संरचना होती है, ठीक है? कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, थोड़ा अच्छा बना ठीक है इसको, जिससे आपको समझ में आ जाए। टेढ़ा क्यों बढ़ रहा है भाई, है ठीक है? इस प्रकार से कुछ इसकी संरचना होती है। अब देखो कैसे समझोगे, इसमें क्या होता है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था ये जितने भी पॉलीफेरा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पॉलीफेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब इन छिद्रों का काम क्या होता है? तो देखो इन छिद्रों का काम क्या होता है, बीच की ये स्पंज गुहा होती है, पर स्पंज इसे ऐसा कर दो ठीक है, ये हमारे छिद्र होते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है, आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पर बड़ा सा, उसे आप देख ले समझ सकते हो, यहाँ पर हम जो समझा रहे वो समझते हुए चले। तो देखो ये जो छिद्र होते हैं इनका काम क्या होता है, तो बाहर से ये पानी में पाए जाते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पानी में, समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये जो पानी जो अंदर जाता है वो किन के द्वारा जाता है, पूछा जाता है आपसे कि पॉलीफेरा के अंतर्गत जो सदस्य जीव आते हैं जैसे कि स्पंज हुआ, ये माना कि हमारा क्या है स्पंज है, स्पंजला है इनकी, तो इनका जो वाटर है जो पानी है वो किसके द्वारा अंदर जा रहा है, जा तो छिद्रों के द्वारा रहा है, लेकिन इन छिद्रों को कहा किया जाता है, तो इन छिद्रों को कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है, हिंदी में भी लिखे देते हैं ऑस्टिया, आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा वहां पर, तो वहां से समझ में ऑस्टिया कहा जाता है, यानी कि बाटर को ले जाने वाले जिसके द्वारा पानी अंदर जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टिया। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है। अब ये जल जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो इन बीच में ये जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है स्पंज गुहा। क्या कहा जाता है? स्पंज गुहा कहा जाता है, स्पंज गुहा, स्पंज गुहा। क्या कहा जाता है? स्पंज गुहा कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्पंजोसील, स्पंजो, स्पंजोसील, स्पंजोसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंजोसील, ठीक है? तो ये क्या है? स्पंज गुहा है। जब ऑस्टिया के द्वारा पानी यहाँ पर पहुंचता है छिद्रों में, छिद्रों के बाद स्पंज गुहा में पहुंच जाता है, और स्पंज गुहा के बाद ये पानी बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। तो ये पानी जिसके द्वारा बाहर निकलता है उसे कहा जाता है ऑस्कुलम। क्या कहा जाता है? ऑस्कुलम कहा जाता है, ऑस्कुलम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब पॉलीफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें पानी किसके द्वारा अंदर प्रवेश करता है और किसके द्वारा बाहर निकलता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, पानी जो अंदर सबसे पहले वाटर, वाटर जो प्रवेश होगा वो ऑस्टिया के द्वारा होगा, ऑस्टिया से ये स्पंज गुहा स्पंजोसील में पहुंचेगा, स्पंजोसील, स्पंजोसील में पहुंचेगा, और स्पंजोसील से ये हमारा कान किसे बाहर निकलेगा? तो ये बाहर जो निकलेगा आपका बाहर, जो बाहर निकलेगा वो किसके द्वारा निकलेगा? ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना, सबसे पहले ऑस्टिया, ऑस्टिया के बाद स्पंजोसील में पहुंचता है यानी स्पंज गुहा में पहुंचता है, उसके बाद आपका जो बाहर निकलता पानी वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा उससे आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं आगे, तो देखो जब इसमें सूक्ष्म रंध्र को ऑस्टिया कहा जाता है और इनका जो एक केंद्रीय स्पंज गुहा होती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं, पानी किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। देखो ये जो बड़ा ये छिद्र होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये वाला जो छिद्र है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। तो बड़े छिद्र के द्वारा पानी बाहर निकलता है और छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा पानी प्रवेश होता है, ठीक है? अब बात करते हैं आगे, तो देखो इनमें एक क्या इसकी बात कर लेते हैं केनाल सिस्टम की, ठीक है? अब बात करते हैं केनाल सिस्टम की, तो चलिए अब बात करते हैं
केनाल सिस्टम इनका कैसा होता है, क्योंकि इनका विशेष लक्षण है छिद्र। छिद्र हमने आपको बता दिया, ऑस्ट्रिया के द्वारा वाटर प्रवेश होता है और फिर उसके बाद स्पंजोसील में पहुंचता है। स्पंजोसील के बाद फिर जो बाहर निकलता है पानी, वो हमारे किसके द्वारा निकलता है, ओस्कोलम के द्वारा। किसके द्वारा पानी निकलता है, ओस्कोलम। तो ऑस्ट्रिया से प्रवेश हुआ, स्पंजोसील में पहुंचा, और स्पंजोसील से किसके द्वारा बाहर निकलेगा, ओस्कोलम, जो यानी कि जो बड़ा ऊपर छिद्र था हमारा, बड़ा वाला जो छिद्र था उसके द्वारा पानी बाहर निकल जाता है। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो पॉलीपेरा के सदस्य होते हैं उनमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनका काम पानी प्रवेश करना होता है, जिनके द्वारा पानी अंदर जाता है, वो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको ऑस्ट्रिया कहा जाता है। और पानी किसके द्वारा बाहर निकलता है, तो पानी ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। इतनी बात आपकी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी होगी आशा करती हूँ मैं। अब बात करते हैं केनाल सिस्टम कैसा होता है, इनकी नाल प्रणाली कैसी होती है, नाल तंत्र कैसा होता है, इनका काम क्या होता है नाल तंत्र का। तो देखो इनके शरीर में, इनके शरीर में केनाल सिस्टम पाया जाता है, इनकी नाल तंत्र पाया जाता है, जो तीन प्रकार का होता है। पॉलीफेरा के अंदर जो नाल प्रकार है वो कितने, तीन प्रकार का होता है। एक होता है एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप और एक ल्यूकोन टाइप। तीन प्रकार का होता है, कितने, एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप और ल्यूकोन टाइप, यानी कि इनका नाल तंत्र होता है। इनके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें तीन प्रकार का केनाल सिस्टम पाया जाता है। साइकोन से आपको समझ में आ रहा कि साइकोन में होगा, अभी हम आपको बताएंगे इनके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, ये हमको अच्छी तरीके से अभी बता देंगे। तो बात करते हैं कि केनाल सिस्टम का काम क्या होता है, सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा कि केनाल सिस्टम का काम क्या होता है। तो इसका काम जो होता है वो क्या होता है, उत्सर्जन में, उत्सर्जन करने में, साथ ही पोषण ग्रहण करने में खाना, और श्वसन करने में, श्वसन में सहायक होता है। केनाल सिस्टम का जो मुख्य कार्य है उत्सर्जन, पोषण और श्वसन में सहायक होता है। श्वसन में सहायक होता है, किसमें सहायक होता है, श्वसन में सहायक होता है। तो इसका मुख्य काम क्या है, उत्सर्जन करने में, पोषण यानी कि श्वसन, इनमें ये क्या होता है, सहायक होता है। तो इनका कार्य मुख्य याद कर लेना, कार्य क्या होता है केनाल सिस्टम का, और केनाल सिस्टम किसमें पाई जाती है, तो ये आपकी सन पॉलीफेरा में पाई जाती है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि इनका जो शरीर कंकाल होता है वो किसका बना होता है, इनका जो कंकाल होता है पाचन कैसा इनमें होता है, जनन कैसा होता है, ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इनमें पाचन किस प्रकार का होता है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है या बाहर निषेचन होता है। तो देखो इनमें जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय पाचन होता है, कैसा होता है, अंतःकोशिकीय। देखो पाचन तंत्र पाया नहीं जाएगा, पाचन जो होगा वो कैसा होगा, अंतःकोशिकीय पाचन होता है, इंटरसेलुलर होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाचन किस प्रकार का होता है, तो पाचन जो होता है वो अंतःकोशिकीय पाचन होता है। बात करते हैं इनमें जो जनन होता है वो कैसे होता है, जनन की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है, इनमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इनकी देहभित्ति कैसी होती है वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो जनन देखो ये कैसा होता है इनमें, तो पहली बात तो ये है कि इनमें जनन जो होता है वो दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे होते हैं, एक लिंगाश्राई होते हैं या उभय लिंगाश्राई होते हैं, तो पॉलीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो उभय लिंगाश्राई होते हैं, कैसे होते, उभय लिंगाश्राई होते हैं, उभय लिंगाश्राई होते हैं, यानी कि इनका जो नर और मादा भाग है वो एक ही के अंदर, यानी अंदर एक ही भाग में होता है, नर और मादा अलग अलग पृथक नहीं होते, इनमें नर मादा होते हैं वो एक ही अंदर होते हैं, यानी कि एक ही में नर और एक ही में मादा पाई जाती है, मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक ही अंदर ही होते हैं, एक ही साथ यानी दोनों साथ साथ होते हैं, इसे कहा जाता है उभय लिंगाश्राई, और अलग अलग होते हैं नर मादा तो उसे कहा जाता है एक लिंगाश्राई, ठीक है, उभय लिंगाश्राई। इसका जो इनमें जो जनन होता है वो कैसा होता है, उभय लिंगाश्राई प्रकार का होता है, जिसे कहा जाता है हर में, इसे इंग्लिश में कहा जाता है HERMA PHR
ODITE हरमेर फोरो डाइट, इसे इंग्लिश में कहा जाता है हरमेर फोरो डाइट, फ्रो डाइट। तो ये भी आपसे इंग्लिश में कहीं लिखा मिल सकता है। तो इनका जो जनन होता है वो कैसा होता है, उभयलिंगा स्राई होता है। दूसरी बात करते हैं कि इनमें जो अलिंगी जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, अलिंगी जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो अलिंगी जनन जो होता है उनमें किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विखंडन। अलिंगी जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा। इनमें जो अलिंगी जनन होता है वो आपका मुकुलन के द्वारा होता है, सॉरी मुकुलन, मुकुलन के द्वारा, बड़ीन के द्वारा और जैम्यून निर्माण के द्वारा। इनमें जैम्यून पाए जाते हैं, जैम्यून, जैम्यून, जैम्यून के द्वारा होता है। पूछा जा सकता है कि अलिंगी जनन मुगलन और जैम्यून के द्वारा किसमें होता है, तो मुगलन या जैम्यून के द्वारा जो अलिंगी जनन होता है वो संघ पोरिफेरा के सदस्यों में पाया जाता है। और लैंगिक जनन कैसा, तो लैंगिक जनन में क्या होगा, नर और मादा दोनों साथ में होते हैं, तब युग्मक बनते हैं, युग्मक दोनों संलयित होते हैं, फिर उसके बाद युग्मज का निर्माण होता है, तब ऐसे लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आपसे पूछा जाए कि अलिंगी जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन और जैम्यून के द्वारा होता है। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इनमें निषेचन कैसे होता है, जो लैंगिक जनन की जब क्रिया होगी तो निषेचन कैसा होता है, तो इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। कैसा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य हुआ, मनुष्य जो होता है उसमें भी आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। आंतरिक जो निषेचन होता है वो कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। जैसे कि आपको बात कर ली जाए मेढक होता है, तो मेढक जो होता है वो उसमें बाहर निषेचन होता है, क्योंकि मेढक में अपना जो जो स्पर्म होते हैं वो पानी में छोड़ देते हैं, उधर से मादा के स्पर्म अंडाणु पानी में आते हैं, पानी में किसमें आते, पानी में, पानी में पाया जाता है। तो इसके ये पानी में ही इनके आपस में संलयन होता है। तो ये कैसा हुआ, बाहर निषेचन हुआ। कैसा हुआ, ये जैसे नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, और ये दोनों पानी में जाके निषेचन, या पानी में होता जाके इनके निषेचन संलयन होते मिलते जाके, तब कहीं इनका निषेचन की क्रिया होती है। तो इसे कहा जाता है बाह्य निषेचन। क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन। तो इनका कैसा निषेचन हुआ, बाह्य निषेचन। लेकिन जैसे आंतरिक निषेचन की बात कर लिया है, तो आपका पोरिफेरा हुआ, मनुष्य जो हुआ, इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो निषेचन किस प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन होता है। पाचन कैसा होता है, तो अंतःकोशिकीय पाचन होता है। ये उभयलिंगाश्रायी होते हैं कि एकलिंगाश्रायी होते हैं, तो ये उभयलिंगाश्रायी होते हैं, इनके जो नर मादा होते हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो जनन आपको समझ में आ चुका होगा, जनन किस प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन इनमें पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत इनमें देह वृत्ति कैसी होती है, इनकी बॉडी जो बाल होती है वो कैसी होती है। आप बात करते देखो, देह वृत्ति कैसी होती है, इनका जो शरीर होता है, शरीर बाल कैसी होती है, कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है। तो इनकी जो देह वृत्ति होती है वो तीन स्तरों से मिलकर बनी होती है। इनकी जो देह वृत्ति होती है, जो इनका शरीर होता है, वो कितने स्तरों से मिलकर बना होता है, तीन स्तरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो कितने स्तर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आता है इनका जो सबसे बाहरी होता है, जो उसे कहा जाता है पिनेकोडर्म। क्या कहा जाता है, जो बाहर तो चल इनकी जो होती है उसे क्या कहा जाता है, पिनेकोडर्म। और जो पिनेकोडर्म इनकी जो होती है वो दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इनकी जो बाहरी त्वचा होती है पोरिफेरा के सदस्यों की, वो दो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, पिनेकोसाइट और पोरोसाइट। आपको याद कर लेना, अच्छी तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन ये कि पिनेकोसाइट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, पोरोसाइट, पोरो का अंदर क्या होता है, छिद्र, यानी छिद्र धारण करने वाली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो आपके पोरिफेरा में पाई जाती है। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है कि जो पिनेकोडर्म होता है, जो बाहरी त्वचा होती है, वो पिनेकोसाइट प्लस पोरोसाइट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से याद। फिर उसके बाद जो मध्य वाला स्तर, बीच वाला, उसे कहा जाता है मध्य स्तर। क्या कहा जाता है, मध्य स्तर कहा जाता है, और जिसे मेजर लेयर के नाम से जाना जाता है, मेजर लेयर के नाम से जाना जाता है। लास्ट में हमारा आता है जठर स्तर। क्या आता है, जठर स्तर। जठर स्तर में होता है, उसमें एक कोशिका पाई जाती है, ये कोशिका आपको अच्छे से याद कर लेनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोइनोसाइट। पूछा जाता है कोइनोसाइट नाम की जो कोशिका होती है
वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो आपके जठर स्तर में पाई जाती है, गैस्ट्रल जो लेयर होती है उसमें कोइनोसाइट या कॉलर सेल पाई जाती है। कोइनोसाइट जो कोशिका होती है इसे कॉलर सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इनका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, इसे कीट कोशिका कहा जाता है, इसकी सहायता से भोजन ग्रहण किया जाता है। इसकी सहायता से क्या किया जाता है? भोजन ग्रहण करने में ये सहायक होती है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन ग्रहण करने में, इनका जो भोजन ग्रहण करने में जो कोशिका सहायक होती है उसे क्या कहा जाता है? कोइनोसाइट कोशिका या कॉलर सेल या कीट कोशिका के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इनकी देहभित्ति कितने से बनकर बनी है? तीन स्तरों से बनकर बनी है, तीन लेयर से बनकर बनी है। पिनेकोडर्म जो आपका पिनेकोसाइट और पोरोसाइट से मिलकर बना होता है, फिर उसके बाद मध्य स्तर, उसके बाद जठर स्तर। जठर स्तर के अंदर कोशिका आती है जिसे कहा जाता है कोइनोसाइट कोशिका या कॉलर सेल या कीट कोशिका के नाम से जाना जाता है, जिसका काम होता है भोजन को ग्रहण करना। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एक पॉइंट यहाँ पर और याद कर लेना, इनका कंकाल किसका बना होता है? स्केलेटन जो होता है, इनका जो शरीर होता है वो किसका बना होता है? तो इनका शरीर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलकर बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका नाम का जो पदार्थ है उससे मिलकर ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो इनका कंकाल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है। अब बात करते हैं लास्ट जो पॉइंट है, इनके उदाहरण। अभी हम आपसे तीन क्वेश्चन पूछेंगे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा, जो पिछली वीडियो से है और कुछ आज की वीडियो से। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहना, जो स्टूडेंट्स राइट आंसर देंगे उनके उनका नाम है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण क्या है, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो ये उदाहरण आपको याद कर लेने, साइकोन या साइफा। साइकोन का फिगर आपको शुरुआत में ही दिख गया होगा, साइकोन या साइफा, ल्यूकोसोलेनिया, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला नाम का एक जो जीव है इसके अंदर, उसे बीनस फ्लावर ऑफ बास्केट कहा जाता है। बीनस फ्लावर ऑफ बास्केट के नाम से इसे जाना जाता है, बीनस की फूलों की डलिया, ठीक है। ये इसका प्रयोग जापान और फिलीपींस में फ्लावर को देने के लिए किया जाता है, गिफ्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। लोग इसे फूलों के रूप में एक दूसरे को देते भी है, तो ये गिफ्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उपहार के रूप में लोग वहां के प्रयोग करते हैं। कहाँ के? जापान और फिलीपींस के। तो इसलिए ऐसे ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, जो यूप्लेक्टेला होता है वो बहुत अच्छा देखने में लगता है, ये फूलों की तरह प्रयोग किया जाता है देने में, तो इसलिए ऐसे कहा जाता है बीनस फ्लावर ऑफ बास्केट। बीनस फ्लावर ऑफ बास्केट के नाम से इसे जाना जाता है, ये नाम आप लोग याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पंजिया, यू स्पंजिया। यू स्पंज से तो आपको याद हो जाएगा कि स्पंज जितने भी है वो सब कहाँ आते हैं? पॉलीफेरा में आते हैं। तो यू स्पंजिया को हम बहुत स्पंज कहा जाता है, इसे शरीर को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारी जो शरीर बॉडी होती है, जो मनुष्य होते हैं, वो अपनी शरीर को साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे वॉर्म स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है स्पंजला। स्पंजला जो होता है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला पॉलीफेरा के अंतर्गत कौन सा सदस्य आता है? तो वो आपका होता है स्पंजला। कौन सा होता है? स्पंजला। तो कौन कौन से जीव है? स्पंजला है, यूस्पंजिया है, साइकोन है या साइपा, ल्यूकोसोलेनिया या यूप्लेक्टेला। ये जितने भी जीवों के नाम लिखे ये सभी सर्व पॉलीफेरा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्वेश्चन हमारे तीन है आपसे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला क्वेश्चन है, सिलिप्रेटा और टोनीफेरा तथा इकाइनोडर्मेटा में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है? ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। दूसरा क्वेश्चन है, अरे ये समिति वो संघ पॉलीफेरा में अलैंगिक जनन किन विधियों के द्वारा होता है? संघ पॉलीफेरा में जो अलैंगिक जनन है वो उसकी क्या विधियां हैं, किसके द्वारा होता है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना होगा, पॉलीफेरा के संघ के सदस्यों में जो अंतः कंकाल होता है वो किसका बना होता है? जो कंकाल होता है उनका वो किसका बना होता है? चौथा क्वेश्चन आपको बताना होगा, संघ पॉलीफेरा के सदस्यों में जल किसके द्वारा अंदर प्रवेश करता है और किसके द्वारा बाहर निकलता है?
और उनके उद्धार क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इन सभी पॉलीफेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज आपका पॉलीफेरा जो हुआ वो कंप्लीट हुआ, यानी कि आपके पहला छक्का कंप्लीट हो चुका है। 11 छक्के मुझे लगाने बहुत ही सुपर तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाना है। तो पहला छक्का आपका कंप्लीट हुआ, दूसरा कल लेके आएंगे निडेरिया या सीलिन डेटा के बारे में हम आपको कल बताएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्विसन, ठीक है। तो आपको कुछ भी समझ में ना आने से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। पूरा पॉलीफेरा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने अच्छी तरीके से फिनिश किया हुआ है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, जब आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो हमारा मन भी बहुत हल्का हो जाता है कि अरे बच्चे शेयर ही नहीं करते हैं। हमने अपने मन को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, चलो ये शेयर नहीं करते चलो हम भी नहीं डालेंगे। फिर कंट्रोल करते हैं कि चलो डालो कोई बात नहीं है बच्चे। तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, यहाँ पर आप कम से कम 10 स्टूडेंट्स को रोज जोड़ो जिससे उनका भी लाभ हो आपको भी लाभ हो इससे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।